बहुत इजीली बन जाते हैं, देखो कोई नहीं फटेगा, बस टेम्परेचर का ध्यान रखना है आपको। लहसुन की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, मैंने दो तीन अलग अलग तरीके से बनाया था, पर जो सबसे इजी वाला है वो मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। Hi guys, Tanmay this side from Cooking Baji with Mamma. Hello everyone. आज हम लोग बना रहे हैं कुछ चटपटा शाम का नाश्ता, ब्रेड रोल, इजी ब्रेड रोल रेसिपी विद द ट्विस्ट। तो स्टार्ट करते हैं, दिल से बनाओ, सबको खिलाओ, इसलिए ज्यादा बनाओ। हाँ जी, चालू करें प्रोसेस। सबसे पहले तो तेल हमने गरम करने रख दिया मीडियम पे। इन द मील वाइल हम अपनी चीजें रेडी करते हैं। तो सबसे पहले ब्रेड रोल आज हम बना रहे हैं, हम ऑलरेडी ब्रेड रोल बना चुके हैं, होम वाले सबको बहुत पसंद आए थे। आज हम बिल्कुल इजी वे में, जिससे झटपट बनने वाली रेसिपी है, ट्विस्ट इसमें क्या है वो साथ साथ आपको पता चलेगा। अब मैंने 3 आलू बॉइल्ड लिए हैं, इसको चाहे तो मैश कर लो, चाहे इसको घिस लो कद्दूकस से, कद्दूकस से घिस लो। चलो आलू हमारे हो गए हैं, 2 प्याज बारीक बारीक काटेंगे, 3 मैंने लहसुन की तोड़ियां ली हैं, इनको बारीक भी काट सकते हैं, इनको ग्रेट भी कर सकते हैं। 2 हरी मिर्च ली है, जितनी भी आपको पसंद है, जितना आपको तीखा चाहिए ये भी बारीक बारीक कटेगा, और थोड़ा सा पनीर और धनिया गार्निशिंग के लिए। ये मैं करवा दूं आपकी हेल्प? हाँ, चॉपर में डालेंगे इसको। अच्छा कमेंट में बताओ, आप घर में प्याज टमाटर वगैरह कैसे चॉप करती हो? आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर है, मैनुअल चॉपर है, या फिर गुड ओल्ड चक्कू सबसे बेस्ट है? हम तो भाई मम्मा ये सारा एक साथ ही कर दूं। अब इसको ठक 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 करेंगे, तो थोड़ा आवाज करता है, रात के 2 बजे पड़ोसियों को परेशानी होती है, वरना तो 10 में से 8 बार मुझे लगता है कि मैंने इसको तोड़ दिया है और फिर नहीं टूटता है। बड़ा जिद्दी है ये भी और मैं भी। मैं आपको बोलते रहूंगा हर वीडियो में कि आप पहली बार कुकिंग पाजी पे आए हो, सब्सक्राइब कर लो, इजी रेसिपीज बनाते हैं बहुत ही आसान तरीके से, तो सब्सक्राइब कुकिंग पाजी। मैं इसको, चलो इसमें हमने प्याज लहसुन और मिर्च को बारीक चॉप कर दिया है, थैंक यू भाई, ये सारा इसमें डाल देंगे। धनिया मन से खिला खिला, वो ना एक अच्छा ग्रीन कलर भी आता है और प्यारा भी लगता है। मम्मा इसमें पनीर भी पड़ेगा? इसमें पनीर डाल रहे हैं, मतलब आप वैसे कुछ भी डालो नहीं डालो ऑप्शनल है, पर पनीर से थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आता है, थोड़ा सा 50 ग्राम के करीब डाला है मैंने। चलो अब हमने ये कर लिया है, अब मैंने 2 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, व्हाइट लिए हैं, आप चाहे तो ब्राउन ले लो, मैं साइड्स नहीं काटती, साइड्स काटने की जरूरत नहीं, मैं इसी को बस ऐसे छोटा छोटा बारीक बारीक इसमें डाल दो और इसे मिक्स करना है। अच्छा ये इसमें ट्विस्ट है, जो हम नॉर्मल पहले हमने बनाया था, अपना शूट किया था, उसमें हमने ये पूरी जो फिलिंग थी तैयार कर दी थी और ब्रेड के बीच में डाला था। ओके, दिस रेसिपी इज इजी फॉर इजी एंड फॉर बिगिनर्स, कि ब्रेड पकौड़ा फट जाए इसमें, हाँ, वो चांस ही खत्म हो गया। हाँ जी, आपके ट्रायल्स में ठीक बना था ये? हाँ ये ठीक बना था, मैंने 2-3 अलग अलग तरीके से बनाया था, पर जो सबसे इजी वाला है वो मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो इजी हैक्स है ना, ये कि कैसे चीजों को इजी करना है, वो भी मम्मा आपको सीधा ऐसे नहीं अभी बना दिया, ट्रायल्स होते हैं प्रॉपर आपके लिए, जो बेस्ट तरीका होता है बनाने के लिए वो मम्मा पहले एक्सपेरिमेंट करती है फिर आपको पता चलता है। टाइम टू पुट द मसालास, ये आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, हमने हरी मिर्च भी डाली है इसलिए उसके अकॉर्डिंगली हमें थोड़ी सी डाल दी है। आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, गरम मसाला आधा छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, और एक चीज हमारी रह गई है वो है नमक, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, इस चीज का ध्यान रखना है हमने कि हमने वो भी डाला हुआ है अमचूर पाउडर, छोटा सा 1 छोटा चम्मच नमक का। अब हमें मिक्स करना है दोबारा से। अगर हमें लग रहा है कि हमारा मिक्सचर बहुत ज्यादा गीला गीला है तो इसमें हम थोड़ी सी ब्रेड और डाल सकते हैं। अभी आपको लग रहा है? नहीं, ठीक है, अभी हमारा मसाला रेडी हो गया है,
और हमने ब्रेड क्रम्स भी बना लिए हैं। अब इसके दो वेज है बनाने के लिए, या तो दो ब्रेड ली हैं उनको मिक्सी में चला दो, उसको बिल्कुल पाउडर टाइप सा बन जाएगा और उसको फिर ड्राई रोस्ट कर दो, या पहले से ब्रेड को मैंने टोस्टर में भी कर सकते हैं और फिर उसको मिक्सी में ग्राइंड कर दो, किसी भी तरह कर दो, तो ये आपका ये टेक्सचर आना चाहिए बिल्कुल ड्राई और ऐसे वाला। चलो अब हम जाते हैं अपने ब्रेड रोल की तरफ। थोड़ा सा हाथ को गीला करके और एक बॉल बना लेनी है हमने। और इसको फिर अच्छे से कोट करेंगे, आराम से हो जाएगा, स्लरी की इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ब्रेड इसके मिक्सचर में ही डाली हुई है, तो ये आराम से कोट हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग अपने बाकी ब्रेड रोल्स को भी कोट करके, सबको एक साथ कोट करके फ्राई करेंगे। एकदम से ऊपर आ गया है, बट एट द सेम टाइम जला नहीं है, जला नहीं है। टेस्टिंग बैच ऑलमोस्ट ठीक है हमारा। हाँ। अब हम लोग बाकी सारे बैटर का बना के ब्रेड रोल्स एक साथ फ्राई कर लेंगे, जितनी हमारी कढ़ाई में जगह होगी उतने बेसिस पे। पुटिंग इट इन द ऑयल वेरी केयरफुली, धीरे धीरे डालने हैं और ओवर क्राउडेड नहीं करने हैं। और एकदम डालते ही आपको ये नहीं हिलाना है इससे, इसको अपनी फॉर्म लेने दो, शेप लेने दो अच्छी तरह से, बिल्कुल धीरे से एक उठा के देखेंगे। अब इसको हल्का हल्का से हाथ से हिलाना है, बस हल्का हल्का हाथ से। अब जितना आपको क्रिस्प चाहिए आप उतना कर लो। देखो अभी हम थोड़ा और क्रिस्प करेंगे, और लाइक सिमिलरली हम बाकी सारे भी ऐसे बना लेंगे। बहुत इजीली बन जाते हैं, देखो कोई नहीं फटेगा, बस टेम्परेचर का ध्यान रखना है आपको। ओह परफेक्ट परफेक्ट, ऐसे ही हम बाकी बना लेंगे। टेस्टिंग टाइम वैसे तो ट्रायल्स में खाए थे, बाहर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट पनीर आलू की जो बातचीत हो रही है, साथ में जो प्याज आ रहा है, और बाहर क्रिस्पी क्रिस्पी जो ब्रेड क्रम्स का सामान डाल के कराना हो, एब्सोल्युटली घर में बना के खाओ, मजा आ जाएगा। जेन्युइन में बहुत टेस्टी है, तो दिल से बनाओ, सबको खिलाओ, इसलिए ज्यादा बनाओ। अच्छा ये वाले जो ब्रेड रोल है इनका टेस्ट जो हम लोग नॉर्मल वाले खाते हैं उससे एकदम अलग है, वो वाले डिस्क्रिप्शन में लिंक कर देंगे, जरूर चेकआउट करना, और दोनों रेसिपीज बना के हमें इंस्टाग्राम कुकिंग पाजी पे मैसेज करना फोटोज के साथ, बड़ा अच्छा लगता है आपके मैसेज पढ़ के। ये है जो हमारा फेवरेट कॉमेंट है पुरानी वाली वीडियो का, बहुत प्यार से आप लोग प्यार देते हो, अच्छा लगता है हमें भी देख के। अभी पीछे हमारे किसी सब्सक्राइबर ने लिखा था उनका बेबी, उनके लिए उन्होंने जो वो वाला बनाया था अचारी मसाला वाली आलू कतली स्टाइल में, हाँ वो उस टाइप से हमारी रेसिपी बनाई थी, और उनके बेटे को उन्होंने रोल बना के दिया था जो हमने वो आलू कतली वाली बनाई थी, और उनके बेटे ने बहुत रेलिश किया। ऐसे कमेंट्स पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू थैंक यू।